सवाल मेरा संजय सर से है और ये इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली जब मैं कोई गांव में जाता हूं तो सब पूछते हैं अगर म्यूचुअल फंड का खाता खुलवाना है तो क्या बैंक अकाउंट जरूरी होता है। अफकोर्स हम लोग शहर में देखें तो ऑनलाइन हम कर लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे देखा जाता है जब मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाता हूँ। तो संजय सर जरा आप बताएंगे सर कि इसका क्या ओवरऑल मतलब है। डेफिनेटली आई थिंक बिकॉज आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप टू 50,000 रुपीज का आप कैश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, मगर जब रिडेम्पशन की बात आती है तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसलिए बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, दैट इज नंबर वन। सेकेंड, परमानेंट अकाउंट नंबर भी होना जरूरी है, उसके बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। सो दो चीजें बहुत ही मायना रखती है, जब आपको म्यूचुअल फंड की जर्नी की शुरुआत करनी होगी तब आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपका KYC हुआ होना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपकी बहुत ही जरूरत रखती है। पर एक बात मैं पक्का बताना चाहूंगा आपको कि कोविड के बाद जो पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन आया हुआ है, UPI बेस्ड, आधार बेस्ड जो प्रोसेस बनी हुई है, उसकी वजह से आई थिंक इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी हो चुका है। इसलिए ये सवाल आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल नहीं है लोगों के मन के अंदर कि मैं अकाउंट कैसे खोलूं और कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही इजी हो चुकी है। ओके, यानी म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट खोलना है बहुत ही आसान हो गया है। और या तो आप छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, टियर 3 4 सिटीज वगैरह में भी जाएंगे, वहां भी MCEs वगैरह ने अपने दफ्तर खोल रखे हैं और तमाम तरह के आप लोगों के अवेयरनेस कैंप वगैरह भी चल रहे हैं। तो हमारा भी मकसद यही है उन लोगों को ही ज्यादा टैप करें, इसलिए हम आसान सवालों को लेकर आए।